हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। हर्बल तो है क्योंकि ये सभी को सूट करेगा ये हेयर पैक। और अभी बहुत कम टाइम हुआ है, एक्चुअली मैं नहाकर आई हूँ। अभी वॉशरूम से नहाकर निकली हूँ, मतलब शावर ले लिया है मैंने। तो मैंने मेरे अपने हेयर को वॉश कर लिया है, मतलब शैम्पू कर लिया मैंने, और बिल्कुल आपके हेयर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए एकदम, और अच्छे थोड़ा सा वेट होना चाहिए ज़्यादा। और आपको कोई भी मास्क लगाने से पहले अगर आपने हेयर वॉश किया है शैम्पू के साथ तो आपको कंडीशनर नहीं करना है। याद रखिए, कंडीशनर नहीं करना है, आपको हेयर पैक लगाना है। तो अगर आप हेयर पैक नहीं लगा रहे हो तो कंडीशनर कर सकते हो। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी बजा है 7। तो मैं 7 सुबह का 7 बज रहा है और मैं अपने हेयर को क्लीन कर लिया है। मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी हेयर मास्क लगाना है, तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ जल्दी फटाफट से शूट और फिर आप लोगों को जल्दी से शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं ये वाला हेयर मास्क बहुत अच्छा है, आप लोग ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब मैं इसको सेकंड टाइम लगा रही हूँ, फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और मेरे हेयर्स आप देख ही सकते हो, मेरे हेयर्स कितने सिल्की एंड शाइनी हैं। मेरे हेयर्स आप देख सकते हो, ये देखिए रेड रेड दिखेंगे मेरे हेयर्स क्योंकि मैं मेहंदी लगाती हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, एक तो समर्स के टाइम में मेहंदी लगा लेते हैं तो सर भी एकदम ठंडा रहता है, कूल रहता है और बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे मेहंदी लगाने के बाद। और बाल भी मेरे जो हेयर्स हैं मेरे वो भी अच्छे लगने लग जाते हैं और थोड़ा बालों का टेक्स्चर जो होता है ना वो भी अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हेयर पैक है हिमालया का एंटी हेयर फॉल। एंटी हेयर फॉल है, ये हेयर फॉल क्रीम है और ये भृंगराज आंवला है, इसमें 100 ml है और ये बहुत ही अच्छी क्रीम है मुझे। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना इतनी अच्छी है ना फ्रेंड्स, इतनी अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, एक्चुअली एक जो मैं एक वो लोरियल का एक आता है, लोरियल का ब्लू कलर का जो आता है ना, ग्रीन है या ब्लू, हाँ ग्रीन है, ग्रीन कलर का या ब्लू आता है जो, एक तो उसमें भी क्रीम होती है, वो भी हेयर मास्क होता है, लेकिन उसकी जो उसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो वाला भी मैंने यूज़ किया है, वो भी मैंने 2-3 times यूज़ किया है और उसकी उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है जैसी इसकी है, बिल्कुल माइल्ड सी। इसमें एक लिड आता है इस तरह का और इसी तरह की फ्रेग्रेंस उस वाले की है, तो लोरियल की है। तो बुवल तो बुवल बहुत अच्छा है और ये भी। तो आज हेयर स्पा करूँगी मैं, तो इसी के साथ करने वाली हूँ और इसके कुछ इन्ग्रीडियंट्स कुछ और भी डालने वाली हूँ मैं इसके साथ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और आप चाहते हैं कि आप भी इसका रिव्यू, मतलब रिव्यू भी देखें। मैं इसका रिव्यू तो करने वाली थी तो मैंने सोचा आपके साथ हेयर पैक भी लगा ही लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी ताकि आप लोग भी लगा सकें। तो आप लोगों को अच्छा लगे और मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ बने रहिए और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर कर दीजिएगा, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग तो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा तो आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये मुझे बहुत गलत लगता है, ख़राब लगता है। मैं तो मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं जितने भी यूट्यूबर्स के, मतलब यूट्यूब पे कोई भी देखती हूँ ना चैनल, और जो मतलब जो गर्ल्स वाले हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं सभी को लाइक करती हूँ और मेरे फ़ोन में सभी का सब्सक्राइब है। जो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ मैं बात करने के लिए, मतलब ये वाला नहीं, ये तो कैमरा है, तो मैं जिसको यूज़ करती हूँ बात करने के लिए उसमें मेरे सारे सब्सक्राइबर के सब्सक्राइब मिल जाएंगे। मैंने सबको सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे पास नोटिफिकेशन आता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से इसका रिव्यू देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको मैंने क्या क्या इसमें मिलाया है, उसके बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ इसके साथ में क्रीम के साथ। और चलिए, बहुत टाइम हो रहा है क्योंकि मुझे भी अभी वीडियो बनाकर
काम भी करना है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से इसका वीडियो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हिमालय का एंटी हेयर फॉल क्रीम है, ये भृंगराज और आंवला है इसमें, और ये बहुत अच्छी क्रीम है। मैंने अभी बताया था आपको, मतलब इंट्रो में बता रखा है, और ये रिड्यूस करता है हेयर फॉल को, प्रोटेक्ट करता है हेयर ग्रोथ को, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, मतलब इससे आपके हेयर ग्रोथ भी होगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये है 100 ml, इस पर लिखा है, हाँ 100 ml है, और ये आपकी 3 ईयर्स सेल्फ लाइफ है इसकी। 3 ईयर्स आप लोग को ये आराम से मिल जाएगी, लेकिन ये 100 ml है, तो अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब शॉर्ट हेयर नहीं है, तो अगर मेरे जैसे हेयर हैं, आपके लंबाई मेरे हेयर्स की तरह है, तो आपको 3 टाइम आपका चल जाएगा। और अगर मेरे से लंबे हेयर हैं आपके, तो आपके हेयर्स पर ये 2 टाइम्स ही चलेगा, लॉन्ग हैं अगर आपके हेयर्स तो। तो ये हिमालय का है, तो बहुत ही अच्छी क्रीम है ये। तो इसमें आपको बहुत ही सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, 3 या 4 वेरिएशन मिल जाएंगे आपको। और इस तरह का पैकेजिंग होता है ये, इस तरफ से ये स्क्वायर है और यहाँ से ये सर्कल शेप दिया है, और ये ग्रीन कलर का लिड होता है, और इसको इस तरह से आप इसको बाहर भी ले जा सकते हो, अगर आप ट्रेवल करते हो तो आप वहाँ पर भी आप लेके जा सकते हो। तो इस तरह से इसका लिड, अंदर भी एक लिड रहता है, तो आप इसको खोल के देखेंगे तो इतना है ये अभी, और मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है, अभी मैंने एक बार यूज़ कर लिया है, पर ये इतना ज़्यादा नहीं ख़त्म हुआ है, तो अभी है इसमें। तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि ये आपको 2 से 3 4 टाइम तक आराम से आपका चल जाएगा, क्योंकि मेरे हेयर्स तो लंबे नहीं हैं, मतलब लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन इतने ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा घने नहीं है, तो इसलिए आपको ये चल जाएगा मुझे। तो फ्रेंड्स मैं इसमें मिलाने वाली हूँ, क्या क्या मिला रही हूँ मैं बता देती हूँ अभी फटाफट से। तो देखते हैं इसमें हमें क्या मिलाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ले लूँगी एक एम्प्टी बाउल, और मैं उसमें ले लूँगी ये 2 स्पून ले लूँगी, मैं 2-3 स्पून ले लीजिए आप, आराम से आपका हेयर पे लग जाएगी। और आपको लगाना कैसे है, आप जब इसको लगाएंगे तो आपको 5 मिनट्स मसाज कर लेनी है अपने हेयर्स पर, मतलब रूट पर, अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज कर लीजिए, सॉरी रूट पर बोल रही हूँ, स्कैल्प पर अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, और इतना बहुत होगा मेरे हेयर्स के लिए, तो मैं इतना ले रही हूँ। और मैं लूँगी इसमें, ये मैं जूस निकाली हूँ, और अनियन का जूस लिया है मैंने, 1 स्पून अनियन जूस मिला लूँगी मैं, बस इतना ही डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्सअप करना है आपको, बहुत अच्छे से। और मैं 2 इसमें एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ, ये भी आपके हेयर्स के लिए अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, तो मैं इनको भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये है लेवेंडर और ये है रोजमेरी, तो मैं ये दोनों को ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एसेंशियल ऑयल पड़े ही रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हेयर पैक में या फेस पैक में इसको यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए ही अच्छे होते हैं। तो मैं कभी भी जब पैक बनाती हूँ फेस पैक, तब मैं यूज़ कर लेती हूँ, या फिर हेयर पैक बनाती हूँ तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से इसके 3 या 4 ड्रॉप ले लेते हैं। सबसे पहले ले रही हूँ मैं रोजमेरी, फोर ड्रॉप ले लिया है मैंने, और ये आपकी जो हेयर पे जो स्कैल्प होता है, वो इसकी मसाज भी अच्छे से हो जाएगी, आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके बाल स्मूथ और सिल्की एंड शाइनी ग्लॉसी हो जाएंगे आपके हेयर्स। तो मैंने रोजमेरी का भी 4 ड्रॉप ले लिए हैं, और मैं इसमें आंवला तो इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आंवला का ऑयल मिला रही हूँ, क्योंकि मुझे ये आंवला ऑयल अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूंगी।
क्योंकि मुझे अच्छे से स्कैल्प पर मसाज करनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कैल्प पर मसाज करने में, और मैं अच्छे से मसाज करती हूँ, बिल्कुल जेंटल होकर जेंटली मसाज कर लेती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से, जब तक ये अच्छे से स्मूथ बिल्कुल इसमें एक साथ मिल नहीं जाता है, बिल्कुल क्रीमी बेस ना हो जाए, तब तक आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से मिलाकर आपको दिखाती हूँ कि इसको आपको लगाना कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप कर लिया है इसको, बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, और मेरे अभी हेयर्स वेट हैं तो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। आपको वेट हेयर्स पर ही आपको अप्लाई करना है, ऐसे टू सेक्शन कर लीजिए अपने बालों को, और आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते जाइए। ऊपर से पहले आप ऊपर में लगा लीजिए, फिर लेंथ पर लगाइए। तो पहले मैं ऊपर लगा लेती हूँ और मसाज कर लूँगी, फिर उसके बाद पूरे हेयर्स पर अप्लाई करूँगी। लेंथ पर अप्लाई मैं बाद में कर लूँगी, पहले यहाँ पर लगा के और मैं अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ अपने हेयर्स की। बहुत अच्छे से मसाज कर लेनी है आपको। इस तरह से अच्छे से मसाज कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको पहले अच्छे से लगा लेना है पूरे हेयर्स पर, और फिर अच्छे से धीरे धीरे से बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मसाज करनी है। मैं आपको बता दे रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथ बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए। तो इस तरह आप ऐसे सेक्शन करते जाइए और नीचे तक इस तरह से आप लगाते जाइए। मेरे बालों के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ये अच्छे से मेरे सारे बालों पर लग जाएगा ये। और अभी मेरे हस्बैंड भी बैठ गए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं मुझे लगाते हुए कैसे मैं लगा रही हूँ। मुझे जल्दी से लगा लेना है, नहीं तो मुझे और भी काम हो रहा है, टाइम हो रहा है मुझे करने के लिए, टाइम नहीं है। फटाफट लगा के फिर इसको मैं छोड़ दूँगी, फिर आपको अच्छे से मसाज करके पूरे बालों पर, जब मैं पूरे बालों पर लगा लूँगी ना, फिर मैं अपने बालों पर हेयर स्पा दूँगी। आप गरम पानी कर लीजिए और इसको ढककर रख दीजिए। इस तरह से निकने वाले ले लीजिए आप, और अच्छे से ऐसे ऐसे लगा लीजिए। मैं ऐसे ऐसे करके लगाती हूँ ना, तो सारे बालों पर, मेहंदी भी मैं इसी तरह से लगाती हूँ कि आपको सारे बालों पर ये लग जाएगा। मैं इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे ही रखूँगी, ये आराम से 2-3 घंटे आप रख लीजिए और आराम से धो दीजिए। उसके बाद हेयर स्पा करने के बाद मैं 2 से 3 घंटे रखूँगी, और इसको मैं कंडीशनर से कभी भी हेयर मास्क नहीं बनाती हूँ फ्रेंड, और उससे बनाना भी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट या 2 से 3 मिनट्स ही लगाया जाता है। अगर आप लेंथ पर भी लगा रहे हो तो, अगर आप लेंथ पर 1-2 घंटे या 3 घंटे छोड़ देंगे उसको, अगर आधे घंटे भी छोड़ते हैं ना, तो वो आपके बालों को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो देगा ही। लेकिन YouTube पर बहुत देख रही हूँ मैं कि वो हमेशा कोई भी उसके साथ ही बना रहे हैं, तो मुझे नहीं वो पसंद आता है। मेरी अकॉर्डिंग तो मैं नहीं बना सकती हूँ ना, मैं उसको लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे वालों को तो वो सूट करेगा ही नहीं, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने बालों पर अच्छे से लगा ली है, और ये देखिए मेरा, मैंने अच्छे से मसाज भी कर ली है 5 मिनट्स,
5 से 10 मिनट्स अच्छे से मसाज किए मैंने हल्के हल्के हाथों से और पूरे बालों को टाइन अप कर लिया है एक क्लेचर के साथ। अब मैं हेयर स्पा दूंगी, मतलब थोड़ा सा अपने बालों में स्टीम लगाऊंगी। और स्टीम के लिए मैं एक भगोने में बॉयल पानी ले रही हूँ और एक टी शर्ट ले रही हूँ, उसी के साथ मैं अपने बालों को टाइन अप कर लूँगी। और इसी तरह से आपको मसाज करने के बाद ही ये सब ऐसे कर लेना है अपने हेयर्स पर। इस तरह से आपको ऐसे छोड़ देना है कुछ देर के लिए, 5 मिनट्स इस तरह से छोड़ देंगे आप तो अच्छे से स्टीम लग जाएगी आपके हेयर्स पर इस तरह से। तो मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ, मैंने आपको बताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैंने ऐसे प्रोसेस किया है, आप लोग भी कर सकते हो। तो मैं फटाफट से ये कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर्स वॉश कर लिए हैं, मैंने शैम्पू कर लिया है फिर से, और मैंने अभी इसके शैम्पू करने के बाद कंडीशनर भी लगाया है। और अब मेरे बालों की हेयर की शाइन देख लीजिए। और अभी ये वेट हैं, मतलब अभी गीले हैं, और मैंने अभी लीवॉन का सीरम भी अप्लाई किया है, अभी वेट है ना, इसलिए मैंने लीवॉन का सीरम भी लगा लिया है। और आप मेरे हेयर्स देख सकते हो कि मेरे कितने ग्लॉसी हेयर हैं। और अभी जब वो ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल, तब आप देखिएगा, मतलब तब तो टाइम हो जाएगा, लेकिन मैंने मुझे जल्दी से वीडियो शूट करके और पब्लिश करना है, मतलब जल्दी डाउनलोड करना है, और तो मुझे टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये 80 रुपीज़ की है, आप इसको परचेस कर सकते हो ऑनलाइन से, ऑनलाइन से आप अमेजोन से खरीद लीजिए, नायका से खरीद लीजिए, या पर्पल पर खरीद लीजिए, मतलब कहीं भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो, मगर मार्केट में आपको 80 रुपीज़ की मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा और कम रेट में मिल जाए तो आप यही ऑनलाइन से शॉपिंग कर सकते हो। आप डालेंगे हिमालय एंटी हेयर फॉल, मतलब एंटी क्रीम डालेंगे, हिमालय की क्रीम डालेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगी, टाइप करेंगे तो। तो फ्रेंड्स, यही है आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, और आप चाहते हैं कि आप भी मास्क वगैरह लगाते हैं हेयर मास्क, तो आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। और इसके साथ अगर आप नहीं भी कुछ डालना चाहते हैं इस पर इसके साथ में, तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हो, और आप उसमें सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं जो मैंने ऐड की हैं, तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट आपके बालों को मिलेगा। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी, और मुझे बिल्कुल भी अपने हेयर फॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बालों में, मतलब किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन मेरे बाल वैसे भी बहुत कम है, लेकिन अब तो मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, मेरे बाल भी अच्छे हो रहे हैं, मतलब हेयर्स मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनका ध्यान भी रख रही हूँ। और मैं इसमें हमेशा कोई भी टाइम पे जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ, तो मैं ऑयल के साथ हमेशा अनियन का जूस ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरे बालों के लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और जब मेरे पास अनियन जूस नहीं डालना होता है, तो मैं अनियन ऑयल डाल लेती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे पास है, अनियन जूस, अनियन ऑयल, एसेंशियल ऑयल है वो भी पर्पल पर मिल जाता है आराम से, तो मैंने वहीं से परचेज किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग भी फ़ायदा उठाइए, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, तो वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो लोग नए आए हैं मेरे वीडियो पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन होता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही उसके बाद बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा। और बेल आइकन हिट करेंगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी, वो आपके पास पहुँच जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाय,
आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। आप लोग देखते हो, वीडियोस देखते हो, परचेज करते हो कोई भी चीज़, तो जब ये सारी चीज़ें जब हम लोग यूज़ करते हैं ना यूट्यूबर्स, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। वो लोग सब अच्छे से बता देते हैं, क्योंकि जब उन लोगों की कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम लोगों को जब कोई चीज़ अच्छी लगती है वही हम लोग आप लोगों को सजेस्ट करते हैं और आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ बता पाएँ और कॉस्टली नहीं, अच्छे से मतलब 25 सब लोग कर पाए उस तरह की रेंज में हम लोग दिखाते हैं। तो फ्रेंड चलिए, अब मैं आज इतना ही, कल बाद में फिर मिलूंगी। आज का वीडियो इतना ही, बाय फ्रेंड्स, बाय।